हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एल्कीन से हम लोग आरएक्स कैसे बनाए, मतलब हाउ कैन वी प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन्स। आपको पता है कि एल्कीन का मतलब क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज योर एडिशन रिएक्शन। आप एडिशन रिएक्शन के माध्यम से क्या कर सकते हो, किसी भी एल्कीन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और एडिशन रिएक्शन के लिए आपको यूज करना पड़ेगा दो रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला है मार्कोनिकोव रूल और दूसरा है, इसको हम कहते हैं शॉर्ट में MR, है ना, मार्कोनिकोव रूल, और दूसरा है एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो इन दोनों रूल्स को फॉलो करते हुए आप इजिली एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम एल्कीन, ठीक है ना। लेट्स फाइंड आउट हाउ। तो एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो मेरे पास है और मैं एक ही कंपाउंड लूंगा, एक ही कंपाउंड से दोनों रूल फॉलो करके दिखाऊंगा आपको। तो सपोज कीजिए हमारे पास में है CH3 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर एल्कीन, इसका जो नाम है दैट इज योर प्रोपीन, दिस इज योर प्रोपीन, है ना। सबसे पहले अगर आपको मार्कोनिकोव रूल फॉलो करवाना है तो यू हैव टू टेक व्हाट, एक्वस KOH, सॉरी नॉट एक्वस KOH, सॉरी यू हैव टू टेक HX, आपको एल्काइल हाइड्रोजन हैलाइड यूज करना पड़ेगा, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड यूज करना पड़ेगा। अगर आपको एंटी मार्कोनिकोव यूज करना है तो भी आप कोई भी HX यूज कर सकते हो अलॉन्ग विद H2O2। साथ में क्या होना चाहिए, परऑक्साइड होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए पहले केस के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, पहले केस के अंदर मैं केवल HX यूज कर रहा हूं, HX के अंदर मैं HBr यूज कर रहा हूं, सपोज आई एम टेकिंग HBr। तो मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट विल अटैक ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी लेस। मतलब जिस भी डबल बॉन्डेड कार्बन के अंदर कार्बन हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा कम होगी वहीं पे आपका नेगेटिव रिएजेंट अटैक करेगा, ठीक है। यानी कि बीआर कहां पे अटैक करेगा, सी पर, इस वाले सी पर, और एच कहां पे जाएगा, इस वाले सी पर। CH3 CH BR और यहां पे CH3। तो इससे क्या मिल गया आपको, इससे आपको मिल गया 2° RX। क्यों, क्योंकि बीआर जिस कार्बन से अटैच है वो खुद दो कार्बन से अटैच हो रहा है ना। लेकिन सेकंड केस के अंदर अगर आप मैंने यहां पे HBr लिया और साथ ही साथ मैंने H2O2 भी ले लिया, तो इस बार मार्कोनिकोव रूल का आपको उल्टा वाला यूज करना है। मतलब पहले नेगेटिव रिएजेंट यानी कि बीआर कहां पे अटैच हो रहा था, जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, बट इस बार कहां पे होगा, अगर आपने H2O2 लिया तो जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना। इसलिए योर कंपाउंड शुड बी CH3 CH, यहां पे H आ गया CH2 और यहां पे क्या आ गया, Br आ गया, ठीक है। इस CHH को मैं CH2 भी लिख सकता हूं। तो ये मिल गया आपको 1° RX, बात समझ में आ गई। तो इस बात का को विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम एल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाते हैं तो हमको एडिशन रिएक्शन यूज करना पड़ता है, जो कि दो रूल्स पे काम करता है, मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव वर्क करेगा किसी भी तरह का अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, चाहे वो HBr हो, HCl हो, है ना, HIO, कुछ भी। लेकिन अगर आपने एंटी मार्कोनिकोव यूज किया है तो HX के साथ में आपको H2O2 भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने H2O2 यूज नहीं किया तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, हमेशा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। और अगर आपने H2O2 यूज किया है तो कहां पे जाएगा, जहां पे संख्या हाइड्रोजन की ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसको पूरा एक बार आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसके क्वेश्चंस, और इस तरह से आपका ये टॉपिक जो है खत्म हो जाएगा और आप इजीली किसी भी एल्कीन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट होने पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखे हैं। थैंक यू सो मच।